हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो गाइस, आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि जैसा कि आप लोगों ने बहुत ही सारे बंदे ने मुझे कमेंट किया था, पांडा माउस प्रो को विथाउट पीसी एक्टिवेशन करके बताओ। तो मैं आज आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे आप लोग फोन टू फोन को एक्टिवेट कर पाओगे पांडा माउस प्रो को। तो यार, वीडियो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होने वाली है। एंड अभी आप लोग जो हमारे हाथ में फोन देख रहे हो, सैमसंग J3 प्रो, तो ये मेरे फ्रेंड का फोन है और ये वीडियो का पूरा फुल क्रेडिट है मेरे फ्रेंड को ही जाता है, क्योंकि उसी का फोन लेके मैं अभी ये शूट कर रहा हूँ और इस पर वीडियो बना रहा हूँ। तो यहाँ पे अभी वो फोटोग्राफर, यार बहुत ही तगड़ा वाला फोटोग्राफर है वो, मतलब हॉबी है उसका फोटोग्राफर करना। तो यार चलो फटाफट से बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बात कर लेते कि आप लोगों को कौन कौन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे सबसे पहले OTG केबल की ज़रूरत पड़ेगी आप लोगों को, एंड साथ ही में आप लोगों को एक डाटा केबल की भी ज़रूरत यहाँ पे पड़ने वाली है, जो आप लोग अपने फ़ोन के चार्जर वाला जो ओरिजिनल चार्जर है उसी से आप लोग जब निकालो तो ज़्यादा बेटर रहता है। और साथ ही में यहाँ पे आप लोगों को पूरा फुल ट्यूटोरियल वीडियो ये देखना ज़रूरी है। तो सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे प्ले स्टोर पर जाना है, और प्ले स्टोर पर जाने के बाद यहाँ पे ADB OTG को सर्च करना है। एंड जो फर्स्ट वाला जो एप्लीकेशन आप लोगों को निकल के आएगा, जो यहाँ पे आप लोग लोगो भी देख सकते हो, इसी को इंस्टॉल कर लेना है। ओके, उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे एक पैच कमांड की जरूरत पड़ने वाली है, जो मैं आप लोगों को यहाँ पे YouTube के डिस्क्रिप्शन में, अरे यार सबसे पहले तो यार एक बात मैं बता दूंगी यार, मतलब मैं इतना ज़्यादा मेहनत करके आप लोगों के लिए वीडियो अपलोड किया करता हूँ, एंड साथ ही में आप लोगों में से बहुत ही कम रिस्पांस मिल पाता है। और साथ ही में अब यहाँ पे अगर मैं दिखा दूँ तो यार 7.9 बंदे ही सब्सक्राइब करके रखे हुए, और 92% यार, मतलब यार मतलब सोचने वाली बात है। अगर आप लोग अगर सब्सक्राइब करोगे तो लगता है कि मेरा वो 1-2 मिलियन तो ऐसे ही कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि 92% समझ रहे हो यार, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, क्या मतलब सब्सक्राइब करने में क्या जाता है आप लोगों का। तो सब्सक्राइब करना भी बहुत ही ज़्यादा ईजी है, बस रेड कलर का बटन है उसे टैप करो तो वो ग्रे हो जाएगा, और साथ में बेल आइकन आएगा बन के, तो उसको ऑल पर सेट कर लेना है। और अगर आप लोग पे नोटिफिकेशन नहीं जा रहा है तो भी यार आप अनसब्सक्राइब करके फिर से सब्सक्राइब ज़रूर कर लो। ओके, बाय द वे यहाँ पे आप हम लोग टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, तो यहाँ पे आप लोगों को डिस्क्रिप्शन को ओपन कर लेना है, और मैंने यहाँ पे पैच कमांड का जो लिंक है वो दिया हुआ है, तो इस पर आप लोग जैसे ही टैप करोगे तो यहाँ पे आप लोगों को ऑल इन वन आइडियाज़ के ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुँच जाओगे। एंड साथ ही में यहाँ पे मैंने आप लोगों को इस एप्लीकेशन का भी लिंक दिया हुआ है, और साथ ही में यहाँ पे आप लोगों को पैच कमांड का भी लिंक दिया हुआ है। तो यहाँ से सबसे पहले तो अगर आप लोगों को एप्लीकेशन डाउनलोड करना है तो आप लोग यहाँ से भी डाउनलोड कर पाओगे, एकदम ईजी स्टेप है, बस आप लोग यहाँ से भी डाउनलोड वाले ऑप्शन पे टैप करके डाउनलोड कर पाओगे। एंड यहाँ पे पैच कमांड वाला जो ऑप्शन है, तो यहाँ पे अभी आप लोग ध्यान दोगे, यहाँ पे जो मैं SH से कॉपी कर रहा हूँ तो उस HS से लेकर यहाँ जो नीचे SH नज़र आ रहा है बस वहीं तक आप लोगों को कॉपी कर लेना है। ओके, तो यहाँ पे ये जब कॉपी कर लोगे तो इसका काम कहाँ पर है वो मैं आप लोगों को अभी आगे बताऊँगा। तो यहाँ पे बस इतना ही काम, इस फ़ोन में आप चलते हो उस फ़ोन में। तो यहाँ पे अभी यहाँ पे जब इस फ़ोन में मुझे एक्टिवेट करना है, तो वो तो रहा उस वाले फ़ोन का बात, बस अब इस फ़ोन में एक्टिवेट करना है तो इसमें चले आना है सेटिंग्स में। एंड सेटिंग्स में आने के बाद यहाँ पे अबाउट फ़ोन में, और साथ में यहाँ पे बिल्ड नंबर फाइंड कर लेना है, एंड उसके बाद यहाँ पे बिल्ड नंबर पे 7 to 8 टाइम तक प्रेस करके रखना है, और अपना पासवर्ड यहाँ पे दे के यहाँ पे जैसे आप लोगों का डेवलपर मोड ऑन हो जाएगा तो यहाँ पे आप लोगों को उसमें बैक कर देना है। एंड बैक करने के बाद यहाँ पे आप लोगों को सर्च बॉक्स में जाके USB डिबग ऑप्शन को सर्च कर लेना है। ओके, तो यहाँ से मैं भी यहाँ से फटाफट से USB डिबगिंग का ऑप्शन सेलेक्ट कर लेता हूँ, एंड उसके बाद यहाँ से जो USB डिबगिंग है उसको आप लोगों को ऑन कर लेना है। और ध्यान रहे, अगर आप लोग एक्टिवेट कर ले तो उसके बाद इसको कभी भी ऑफ मत करना, वरना डीएक्टिवेट हो जाएगा। ओके, और यहाँ पे तो पांडा माउस प्रो तो इंस्टॉल होना एकदम ज़रूरी है, तो बस आप लोग कैसे भी करके इसको इंस्टॉल कर लो। एंड उसके बाद यहाँ पे डायरेक्ट आप लोगों को नीड एक्टिवेशन पे क्लिक करना है, एंड उसके बाद यहाँ पे PC एंड मैक पे क्लिक कर देना है। ओके, अब क्या करना है वो मैं अब आगे बताता हूँ। तो यहाँ पे अभी सबसे पहले वो यहाँ पे वो उस फ़ोन का तो पूरा काम हो गया, अब यहाँ पे आप लोगों को जिस फ़ोन से एक्टिवेट करना है उस फ़ोन में आप लोगों को OTG को ऑन कर लेना है। तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी ऑन करके रखा हुआ है, तो यहाँ पे आप लोगों को OTG कनेक्ट करना है, एंड वहाँ उसके बाद यहाँ पे आप लोगों का जो डाटा केबल है उसको इसमें कनेक्ट कर देना है। ओके, जब आप लोग ये ध्यान दो कि जिसमें OTG लगाओगे उस फ़ोन से जिसमें USB केबल लगाओगे उसमें एक्टिवेशन होगा। ओके, तो यहाँ पे ये बात हो गया कंफर्म। एंड उसके बाद जैसे ही यहाँ पे आप लोग कनेक्ट कर दो, उसके बाद दूसरा सिरा है वो आप लोगों को अपने फ़ोन में कनेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे जैसे कनेक्ट हो गया उसके बाद जो मैंने एप्लीकेशन बताया था उसको ओपन करोगे, तो यहाँ पे कुछ फाइल रिक्वायरमेंट बन गया आएगा, उसको अलाउ कर देना है। एंड उसके बाद यहाँ पे USB डिबगिंग का ऑप्शन आएगा तो इसको भी अलाउ कर देना है। तो यहाँ पे ये यार मतलब ये जो मेरा डाटा केबल है वो थोड़ा लूज़ है, इसीलिए हिल जा रहा है बार बार,
तो इसे मुझे फिक्स करना होगा। तो ये देखो अभी मेरा फिर से मैंने वैसे ही करा, तो यहाँ पे अभी देख सकते हो कि ये जो कमांड है उसको यहाँ पे फिल करने के लिए आ रहा है, बस ये अब हिल है ना, ये लो फिर से हिल गया। तो मैं फिर से इसको अटैच कर देता हूँ एंड उसके बाद वहाँ से अलाउ कर देता हूँ। एंड यहाँ पर अभी आप लोग देख सकते हो कि टाइप कमांड का जो ऑप्शन है जहाँ से मैंने आप लोगों को कॉपी करवाया था, वही यहाँ पे आके सिंपल पेस्ट करके रन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दे रहे हैं। एंड जैसे ही क्लिक करोगे अब वहाँ पे सैमसंग J3 प्रो में आप लोग देखो कि ये एकदम थोड़ी देर में एक्टिवेशन सक्सेसफुल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने कमांड है उसको रन कर दिया। अभी देखो ये एक्टिवेट हो गया और लाइव प्रूफ आपके सामने हुआ, और साथ ही में ये एकदम 101% वर्किंग है। आप लोग एक बार ट्राई करके जरूर देखो क्योंकि ये एकदम 100% वर्किंग है। तो यहाँ पे आप लोग भी ऐसे ही करके फोन टू फोन को एक्टिवेट कर पाओगे, क्योंकि यार मुझे बहुत ही बंदों ने कमेंट किया था, इसीलिए मैंने बहुत ही सारा रिसर्च किया उसके बाद मुझे ये टॉपिक मिला। ओके तो यहाँ पे ऐसे ही करके, और ये डीएक्टिवेट आपका कभी भी नहीं होगा। और मैं यहाँ से अभी फ्री फायर को फटाफट से प्ले करके भी दिखा देता हूँ कि यहाँ पे फ्री फायर प्ले भी होता है और साथ ही में जो पांडा माउस प्रो का लोगो है वो भी आ रहा है। और यहाँ से मैं डायरेक्ट कट करके अब मैं डायरेक्ट फ्री फायर को ही प्ले करके आप लोगों को दिखा दे रहा हूं कि वो जो मेरा पांडा माउस प्रो का लोगो है वो आ रहा है या नहीं आ रहा। तो यहाँ से मैंने फिर से फ्री फायर को किया ओपन एंड यहाँ पे अभी आप लोग फाइनली देख सकते हो ऊपर की साइड में कि मेरा पांडा माउस प्रो का वो लोगो भी आ रहा है। तो ऐसे करके आप लोग भी एकदम इजीली फ़ोन टू फ़ोन को ही अब एक्टिवेट कर पाओगे और पीसी वीसी का कोई ज़रूरत अब इसमें है नहीं। तो यार आई होप कि आज का वीडियो आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा होगा, क्योंकि वीडियो भी बहुत ही ज़्यादा लंबा हो गया, नहीं तो यार मैं माउस एंड कीबोर्ड लगा के भी आप लोगों को इस पर थोड़ा गेम प्ले करके भी बता देता। तो यार बस जितने बंदे सब्सक्राइब नहीं किए तो यार बस रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो और साथ ही में बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लो, 1 लाख जल्द से जल्द पहुंचवा दो यार, बस यही है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक भी जरूर कर देना। तो मिलते हैं जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।